हम इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के साइंस का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो पीछे दो वीडियो मैंने पदार्थ के बारे में पढ़ा, जो आसपास के पदार्थ है। पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ होता क्या है, कहते किसे हैं। फिर पदार्थ के प्रकार पढ़े, शुद्धिकरण पढ़े, और इसके अतिरिक्त हमने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाएं। अवस्थाएं पढ़ी, अवस्थाओं में हमने बताया कि तीन अवस्था हैं, ठोस, द्रव्य। हमने इनके बारे में पढ़ा, उनके गुणधर्म पढ़े, उदाहरण भी पढ़े। अब एक प्रश्न उठता है, वो क्या है? क्या पदार्थ अपने अवस्थाओं में अवस्था में परिवर्तन कर सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ये क्वेश्चन उठता है। इसका जवाब हमें देना है। हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन स्वयं नहीं कर सकते, बल्कि भारी स्वयं नहीं कर सकते, बल्कि भारी वातावरणों के जो भारी कारकों के चयन से। क्या है भारी कारकों में? कारकों में परिवर्तन से संभव है, परिवर्तनों से संभव है, संभव है। कि अगर हम भारी कारकों में परिवर्तन करेंगे तो अवस्था में परिवर्तन संभव है। अब हमारा जो टॉपिक आज का वह है यही कि क्या हम अपने क्या पदार्थ अपने अवस्था में परिवर्तन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हमारे आसपास जो भी पदार्थ है उसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम जो आसपास का पदार्थ है वह जल है। जल जिसे हम काफ़ी हद तक जानते हैं, जल तीनों अवस्थाओं में हमें मिलता है। क्या है जल? जो जल है वो तीनों अवस्थाओं में मिलता है। कितनी अवस्थाओं में? तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तीनों अवस्था में मिलता है तो पहली अवस्था क्या थी? ठोस थी, ठोस। दूसरी द्रव्य, तीसरी गैस। तो ठोस द्रव्य गैस, ठोस अवस्था में जल को क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। और द्रव अवस्था में जल होता है वो जल कहते हैं। और कैसी अवस्था में जिससे कहते हैं जल वाष्प, भाप, भाप। ये चीज थी पदार्थ तीनों अवस्था है, ये तीन अवस्था जल की थी। अब प्रश्न उठता है, जब पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है, अब क्या प्रश्न उठता है? जब पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है तो उसके कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी पर आकर्षण बल, बीच के जो आकर्षण बल है, बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव छोड़ के जाता है? अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही अध्ययन करेंगे हम। तो इसका पहला ही जो कारक होगा वो हमारा है जो भारी कारक। भारी कारक के अंतर्गत ही पदार्थ अपनी अवस्था में चेंज कर सकते हैं। जो उदाहरण लेंगे हम पहले में वो जल है, जल का ही लेंगे। तो पहला है तापमान, तापमान में परिवर्तन का प्रभाव। तापमान में परिवर्तन का प्रभाव का अध्ययन करेंगे हम इसमें। तो पहली चीज है जो हमें जाननी जरूरी है, प्रभाव का हमें पता है क्या बदलाव हो रहा है, क्या ईश्वर क्या कुछ हो रहा है बदलने पर। अब बात आती है जो हमें नहीं पता, तापमान, तापमान। तो तापमान क्या है यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर तो है, ताप क्या है पदार्थ का,
पदार्थ का वह गुण, ताप पदार्थ का वह गुण। सिंपल बताएं तो ताप वह गुण है, एक गुण है जो यह बताता है कि कोई पदार्थ गर्म है या ठंडा है। ताप पदार्थ का वह गुण जो यह बताता है कि कोई पदार्थ गर्म है, गर्म है या ठंडा, गर्म है या ठंडा है, गर्म है या ठंडा है। पदार्थ का वह गुण जो यह बताता है कि पदार्थ गर्म है ठंडा, कितना गर्म है कितना ठंडा यह भी टेम्परेचर ही बताएगा। अधिक टेम्परेचर होना अधिक गर्म होना, कम टेम्परेचर होना ठंडा होना। तो पदार्थ ताप के बारे में हमने जान लिया, गुण है जो यह बताता है कि पदार्थ गर्म है या ठंडा, कम ठंडा है गर्म है। तो ये चीज तो हमने ताप के बारे में जान ली। अब है हमारा प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल है हमारा वह अध्ययन करेंगे। अवस्था में चेंज करेंगे, कैसी अवस्था में चेंज करेंगे, ताप के द्वारा ताप में बदलाव करेंगे। ताप है वह सीधा उष्मा से संबंधित, उष्मा देंगे जिससे ताप बदलेगा और अवस्था भी बदलेंगे। तो ताप परिवर्तन से हम अध्ययन करते हैं, तो करने से पहले हम लेते हैं एक पात्र। पात्र लिया हमने, इसमें खाली पात्र है और इसमें ली हमने बर्फ का क्या लिया, टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा ले लिया। ये इस पात्र में रखा हमने, मान लीजिए ये हमारा पात्र है, इसमें हमने ये बर्फ का टुकड़ा रख दिया। कोई बात नहीं थी तब तक जब तक हमने इसमें रखा। अब एक बर्फ का टुकड़ा रखा, बर्फ ठंडी थी, मतलब इसका जो टेम्परेचर था तापमान वो क्या था, नेगेटिव में कुछ भी था, नेगेटिव सेल्सियस डिग्री सेल्सियस, माने कि 5 डिग्री सेल्सियस है माइनस का। तो जीरो पर बर्फ जमती है पहली बार, तो -5 लिया कि ये बर्फ जमने से भी ठंडी बर्फ है। तो हमने उसको बर्फ लिया, पात्र में लिया, बर्फ है ये हमारी, जो इसको क्या दी, उष्मा दी, उष्मा दी मतलब एक बिकर लिया, उससे इसको क्या किया, गर्म, गर्म किया, गर्म किया। कुछ देर हो होती है क्या, एक अवस्था ऐसी भी आती है जब बर्फ और जल दोनों क्या समय अवस्था में, ऐसा पता नहीं चलता कि बर्फ है अधिक या जल अधिक, ऐसी अवस्था भी आ जाती है। और कुछ देर बाद और गर्म करते रहते हैं तो बर्फ पूर्णतः किस में चेंज हो जाती है, जल में। और अब भी हम रुकते नहीं हैं उष्मा देने को, उष्मा देते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, अर्थात तो ये जो जल है वह जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, अधिकतर जल वाष्प है। तो हम क्या अध्ययन करते हैं, बर्फ ली, बर्फ को गर्म किया, टेम्परेचर भी नोट कर रहे हैं साथ साथ, क्या है, पहले टेम्परेचर नोट किया जब बर्फ ली, उसका टेम्परेचर हमने क्या कर लिया नोट, धीरे और गर्म किया कुछ समय बाद में उसका टेम्परेचर नोट, थोड़ा और गर्म किया, टेम्परेचर नोट करते गए, गर्म करते गए, टेम्परेचर नोट करते गए, अवस्था बताते गए कि अभी बर्फ है, इतनी बर्फ, ये सब देखते गए बर्फ है, धीरे धीरे इसका भी टेम्परेचर गया, जब पूर्णतः जल में बदल गया, जलवाष्प में, जब अधिकतर पानी जलवाष्प में बन गया, तब हमने टेम्परेचर नोट कर लिया। टेम्परेचर तो नोट कर लिया, अब हमें ये देखना है कि बर्फ कैसे जल में बदली, ये एक जो प्रक्रम है, और दूसरा प्रक्रम जल से जलवाष्प में परिवर्तन का। तो हम इन प्रक्रमों का अध्ययन करेंगे एक एक करके। पहले तो बर्फ से जल का मन्नक वाला प्रक्रम, तो स्टेप में क्या होता है, कुछ नहीं, तो जो उष्मा होती है जो हम गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या मिलती है हमें, गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा मिलती है। जो उष्मा मिलती है वो दो रूप में डिवाइड हो जाती है, एक तो गतिज ऊर्जा के रूप में, पहले गतिज ऊर्जा पूरी होगी, पहले गतिज ऊर्जा, फिर एक नाम आता है गुप्त उष्मा बाद में। जब तक गतिज ऊर्जा का मान मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होता तब तक गुप्त उष्मा शून्य ही रहती है,
यानी उसका अस्तित्व ही नहीं होता, इसके बाद ही गुप्त उष्मा का अस्तित्व आता है। तो ये चीज़ है उष्मा गतिज ऊर्जा और गुप्त उष्मा के रूप में आता। तो सर्वप्रथम ने जो बर्फ ली वो क्या थी, इसका टेम्परेचर था वो क्या था, माइनस में। इसको गर्म किया, गर्म किया, गर्म करने से क्या होता है कि बर्फ को क्या मिली, उष्मा। जो उष्मा होगी वो किस रूप में चली जाएगी, किसके रूप में चली जाएगी, गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के रूप में चली जाएगी। तो गतिज ऊर्जा जाएगी तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी एक तरीके से, क्योंकि गतिज ऊर्जा के रूप में जो बर्फ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ गई, गतिज ऊर्जा क्या है, कणों की गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा है, अर्थात कणों की गति तेज, गतिज ऊर्जा ज़्यादा, कणों की गति कम तो गतिज ऊर्जा भी कम। तो गतिज ऊर्जा में बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, तो कणों की गति में भी क्या होगी, कणों की गति में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। कणों की गति में वृद्धि होगी, मान लीजिए ये कण जिसका क्राइटेरिया ये था, तो उस पदार्थ की सीमा थी, समय सीमा, तो वो क्या था, इधर इधर गति कर रहा था, धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई तो थोड़ी और करने लगा, और धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक वो यहाँ हो जाएगा, मतलब तेजी से कंपन था। जो कणों के कंपन है, कणों के कंपन तेज हो जाते हैं, या कण तेजी से कंपन करते हैं, कण या तो तेजी से कंपन कर देते हैं या तेजी से कंपन करते हैं। क्या है, कणों के कंपन तेज हो जाते हैं या कण तेजी से कंपन करते हैं, ये बात है। तेजी से कण कंपन करते हैं तो क्या होता है, कण जो यहाँ था धीरे धीरे, तो साथ साथ क्या था, ये दूसरे कणों का भी ध्यान रख रहा था, क्या था, ध्यान रखता था, दूसरे कणों का भी क्या रखता था, ध्यान, मतलब आकर्षण बल था बर्फ के कणों के, तभी तो वह बर्फ थी, उसके कणों के बीच की दूरी निश्चित थी, फिक्स थी, लेकिन क्या है, दूरी तेजी से कंपन करने लगे, वो हिलने लगे, तो जो उसके कण हैं, कोई एक कण है उसके जो आसपास जो कण हैं हमारे, उन पर उनका ध्यान है, उनके प्रति उनका लगाव कह सकते हैं एक तरीके से, या उनके प्रति आकर्षण बल कहते हैं जिसे हम हैं, उसका ध्यान आप सामान्य तौर पर देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है तेजी से, तो वह दूसरे का ध्यान नहीं रखेगा। तो यही बात होती है, कण तेजी से कंपन कर रहा है तो वह दूसरे के साथ जो उसका आकर्षण बल है वो कमजोर हो जाएगा। क्या होगा, जो कणों के बीच का आकर्षण बल कम होने लगता है। क्या है, कम होने लगता, अब आकर्षण बल कम नहीं है, आकर्षण ज्यादा था तभी तो कणों के बीच की दूरी निश्चित थी, फिक्स थी, अब आकर्षण बल कमजोर हो गया ध्यान रखने वाला, तो क्या है, कण थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, कण क्या है, दूर, कणों के बीच की दूरी थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक दूसरे का ध्यान तो रख नहीं रहे, तो कणों के बीच की क्या है, दूरी बढ़ जाएगी। तो बात आती है कणों के बीच पर जो प्रभाव ज्ञात कर रहे थे, कणों की अवस्था परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख रहे थे, तो कणों पर आकर्षण बल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। दूरी बढ़ने लगेगी, जो बीच का स्थान था रिक्त स्थान जिसमें, वो भी क्या लगेगा, बढ़ने लगेगा, कि उसमें भी क्या है, बढ़ने लगेगा। तो ये सब इफेक्ट पड़ेंगे, कण एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, तो ये बात है हमारी कणों के बीच आकर्षण। तो ये चीज़ थी, हमने इसको गर्म किया,
ये सब गतिज ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जा है वो किस कारण होती है, दो चीज हमने देखी नहीं है अभी तक पूरी। गतिज ऊर्जा क्या प्रभाव करेगी, पहले स्टेप में गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब बात कर रहे थे जो उष्मा है वो दो रूपों में चेंज होगी, गतिज ऊर्जा और गुप्त ऊष्मा। पहले क्या होगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा है वो क्या करेगी, ताप परिवर्तन करेगी, ताप बढ़ाएगी या परिवर्तन करेगी कह सकते हैं, करेगी। गुप्त ऊष्मा क्या करेगी, ये अवस्था में बदलाव करेगी, अवस्था परिवर्तन करेगी, अवस्था परिवर्तन। ऊष्मा गतिज और ऊष्मा, पहले ऊष्मा गतिज ऊर्जा के रूप में जाएगी, तब तक जाएगी जब तक गतिज ऊर्जा अधिकतम न हो जाए। गुप्त ऊष्मा तब तक जाएगी जब तक गुप्त ऊष्मा तब तक नहीं उत्पन्न मिलेगी, नहीं कि आपूर्ति नहीं होगी तब तक क्या होगी, काइनेटिक है जो गतिज ऊर्जा अधिकतम नहीं होगी। तो ताप जैसे ऊष्मा दी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा क्या बढ़ाएगी, ताप बढ़ाएगी, ताप में परिवर्तन करेगी, यानी ताप क्या करेगी, में वृद्धि करेगी, ताप में वृद्धि करेगी। ये क्या करेगी, अवस्था में बदलाव करेगी, अवस्था में क्या करेगी, बदलाव। तो ऊष्मा हमने दी तो क्या हुआ, ताप में बदलाव हुआ। तो हमने ये माइनस टेम्परेचर वाली बर्फ थी इसको हमने गर्म किया, गतिज ऊर्जा बढ़ी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ी इसका अर्थ है कि बर्फ का तापमान भी बढ़ा। लेकिन बर्फ का तापमान बढ़ा है, बर्फ की अवस्था नहीं बदली, क्योंकि बर्फ की अवस्था तब तक नहीं बदले जब तक कि जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम न हो जाए। लेकिन हमने क्या किया, पहले स्टेप में ऊष्मा दी, इतनी दी है कि गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाए। तो बर्फ तो बर्फ ही रहेगी, लेकिन उसका टेम्परेचर क्या था, माइनस का था पहले, अब वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी भी वो क्या है, बर्फ है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी वह क्या हो गई है, अब कम ठंडी हो गई, यानी ज्यादा गर्म हो गई है। क्या है, कम ठंडी ज्यादा गर्म हो गई है। तो अब ये बात है, अब हमने क्या किया, और ऊष्मा दी, अब और गर्म किया, यानी ऊष्मा दी, गर्म करना मतलब ऊष्मा देना, ऊष्मा दी। और ये ऊष्मा है वो मिलेगी गुप्त ऊष्मा के रूप में, गुप्त ऊष्मा के रूप में चली जाएगी, और गुप्त ऊष्मा क्या कर देगी, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन क्या कर देगी, अवस्था परिवर्तन। और अवस्था परिवर्तन करेगी, लेकिन क्या नहीं चेंज करेगी, तापमान चेंज नहीं करेगी, में तापमान नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी। अब बर्फ है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ है, इसमें चेंज हो जाएगी, जल में अवस्था बदली, जल में चेंज, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ये पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये बर्फ है। अब तक हमने ये देख लिया, अब जो हमने देखा इनका नाम दिया क्या था, गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन जो सब देखे वो देखे। पहला जो आया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस इसको, इन दोनों को जो टेम्परेचर समान रहता है अवस्था परिवर्तन के दौरान, उस टेम्परेचर को नाम दे दिया गलनांक, गलनांक नाम दिया इनको, क्या दिया, गलनांक। और इस प्रक्रम को, इस प्रक्रिया को क्या नाम दिया, हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, सगलन, सगल, इस प्रक्रिया को सगलन दिया। और जब हम बर्फ, 1 किलो बर्फ लें, तो जो ऊष्मा होगी, गुप्त ऊष्मा होगी, वो क्या होगी, सगलन की, सगलन की गुप्त ऊष्मा, सगलन की क्या हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा, सगलन की गुप्त ऊष्मा हो गई हमारी, अब है जो ऊष्मा है गुप्त ऊष्मा वो क्या हो गई, सगलन की गुप्त ऊष्मा, सगलन की गुप्त ऊष्मा हो गई जब बर्फ 1 kg हो। तो ये डेफिनेशन सब थी, अब हम एक एक डेफिनेशन देखेंगे। पहले देखेंगे जो है गलनांक की,
किसकी गलनांक कहते किसे हैं ये देखेंगे। क्या कहते हैं गलनांक किसे? वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है, उस ताप को क्या कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है या ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलता है ठोस पदार्थ तो द्रव अवस्था में बदलता है, ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदलता है और ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है, उस ताप को गलनांक कहते हैं। जो गलनांक, अभी गलनांक ठोस का गलनांक होगा, किसका? ठोस का गलनांक। अब गलनांक हमें देखना है ठोस का, तो ये बर्फ का गलनांक हो गया हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस हो गई हमारी बर्फ का गलनांक। गलनांक हमने देख दिया, वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है उसे गलनांक कहते हैं। अब बात आती है संघनन की प्रक्रिया। हाँ, गलनांक क्या है? अधिक गलनांक का उच्च होना और कम होना क्या है? आकर्षण बल को दर्शाएगा। गलनांक क्या दर्शाएगा? गलनांक ज़्यादा है या नहीं है? गलनांक क्या है, क्या दर्शाता है? गलनांक जो आकर्षण बल की, कणों के बीच के आकर्षण बलों की सामर्थ्यता को दर्शाता है। को क्या करता है? दर्शाता है। गलनांक आकर्षण बल के भी कणों के बीच के आकर्षण बलों के सामर्थ्यता को दर्शाता है। गलनांक का उच्च होना आकर्षण बल की सामर्थ्यता यानी प्रबलता है वो अधिक है, कम गलनांक होना उनकी प्रबलता कम, ये चीज़ है ठोस पदार्थ की। अब जो दूसरी चीज़ है वो है सहगलन अभिक्रिया क्या है ये देखिए। तो ये जानते हैं सहगलन। डेफिनेशन लिखने से पहले क्या देखते हैं, इसमें क्या है? टेम्परेचर नो चेंज, संघनन की अभिक्रिया के दौरान तापमान नहीं बदलता, ये चीज़ एक इसकी बर्फ थी या जल हुआ, क्या हुई? अवस्था चेंज हुई। तो क्या है वह प्रक्रिया जिसमें ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? सहगलन। अब ये लिख दीजिए आप, इतना गर्म किया अवस्था विरोधी, तो ये जो प्रक्रिया वो क्या है? सहगलन की प्रक्रिया। अब बात आती आगे, सघलन की अभिक्रिया देख ली हमने। अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ताप नहीं बढ़ता, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन क्या है, हम गर्म तो कर रहे हैं, क्या है गर्म तो कर रहे हैं, वो ऊष्मा कहाँ जाती है जो हम गर्म कर रहे हैं? ऊष्मा जाती तो है, नष्ट तो होती नहीं ऊष्मा, तो वह जाती कहाँ है? ये देख, इसी ऊष्मा के कारण हमें जो एक कारक उत्पन्न होगा, जो गुप्त ऊष्मा है, वो कैसे उत्पन्न होती है देखेंगे। गुप्त ऊष्मा की डेफिनेशन देखेंगे, गुप्त ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है ये देखेंगे। तो बात आती है गुप्त ऊष्मा की कैसे उत्पन्न हुई, हमने देखा, द्वारा लिख देते हैं, बर्फ जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस थी,
जल जिसका टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, हमने क्या किया, गर्म किया, उष्मा दी। ये उष्मा किस में चेंज होगी, कुछ पता नहीं किस में चेंज होगी, मैं वो गुप्त उष्मा में ही चेंज होगी, ये नाम हमने दिया, कोई बात नहीं। हम नाम इसके दौरान क्या होता है, ये अवस्था परिवर्तन का प्रक्रम है, अवस्था परिवर्तन जिसे क्या कहेंगे, सघलन। ये बात तापमान नो चेंज। अब ज्ञानिकों ने क्या किया, इनकी इस बर्फ की ऊर्जा ज्ञात की, 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ की ऊर्जा ज्ञात की, E1 प्राप्त हुई, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इस जल की उष्मा ज्ञात की, ऊर्जा ज्ञात की, सो E2 प्राप्त। सो E2 थी क्या, ज्यादा थी, किसे, E1 से ज्यादा थी, ये क्या थी, कम थी, यानी E1 छोटी थी E2 से, ये कम थी ये ज्यादा थी, तो ये ऊर्जा ज्यादा क्यों थी, इसके पास कैसी अतिरिक्त थी, तापमान तो समान था नहीं, तापमान समान होने का अर्थ है गतिज ऊर्जा तो समान ही है, तो अतिरिक्त ऊर्जा आई कहां से, वो अतिरिक्त ऊर्जा आई गुप्त उष्मा के रूप में, क्योंकि इस जल के पास क्या है, गुप्त उष्मा भी है, क्या है, गुप्त उष्मा भी है, इसके कारण ये जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है वो कम ठंडा होता है, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ ज्यादा ठंडी होती है, ये बात है। तो जो कारण था वो उष्मा अधिक होने का कारण है, वो गुप्त उष्मा, क्योंकि जो हम गर्म कर रहे थे वो उष्मा गुप्त उष्मा के रूप में चली जाती है, जिससे इसकी उष्मा ज्यादा बढ़ जाती है और ये अवस्था परिवर्तन करता है, कौन अवस्था परिवर्तन करता है, वो है गुप्त उष्मा। अब गुप्त उष्मा के डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो क्या है, सिर्फ गुप्त उष्मा की नहीं, 1 kg गुप्त उष्मा की, 1 kg पदार्थ की, 1 kg पदार्थ अवस्था परिवर्तन के दौरान जितनी उष्मा ग्रहण करता है वह गुप्त उष्मा है, 1 kg पदार्थ के लिए अवस्था परिवर्तन करना गुप्त उष्मा, ये बात। लेकिन हम पढ़ रहे थे सघलन की विक्रिया, तो सघलन के लिए क्या पढ़ेंगे हम, बर्फ क्या है, सघलन की गुप्त उष्मा, सघलन की गुप्त उष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे, शुरू करते हैं। 1 kg लिखने, बस 1 kg ये बर्फ ले ली तो जो गुप्त उष्मा होगी वो क्या होगी, ये गुप्त उष्मा सघलन की गुप्त उष्मा होगी, क्या होगी गुप्त उष्मा, तो हमने सघलन की गुप्त उष्मा के बारे में पढ़ा। 1 kg ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ बिना ताप परिवर्तन किए, बिना ताप परिवर्तन किए किए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए, द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी उष्मा ग्रहण करता है उसे सघलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। मतलब 1 kg जो बर्फ है वो ही लेनी है जो उष्मांदित, 1 kg ठोस पदार्थ बिना ताप परिवर्तन किए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितनी उष्मा को ग्रहण करता है, जितनी उष्मा वह ग्रहण करता है उसे सघलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। इसी कारण सघलन की गुप्त उष्मा के कारण 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होगी और 0 डिग्री सेल्सियस पर कम होगी। अब ये चीज़ तो देख, अब है एक चीज़ जो हमने अभी तक नहीं देखी, वो है
जीरो डिग्री सेल्सियस है, तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसको लिखते हैं 273.15 केल्विन। केल्विन क्या है? जो ताप का एसआई मात्र, ताप का एसआई मात्र, बस ताप का एसआई मात्र केल्विन है। एक विद्वान थे केल्विन, उन्होंने देखा। हमने गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ा, क्या है, कहती है, किस प्रकार होता है। अब तक हमने जो पूरा पढ़ दिया ताप का प्रभाव का, आप काफ़ी हद तक एक पार्ट कर लिया है। दूसरा पार्ट ये है कि जो ध्रव अवस्था किस प्रकार गैस अवस्था में बदलती है, ध्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदलती है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अगले भाग में पढ़ेंगे शायद। तो अगर आपको किसी प्रकार की इसमें दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं बेझिझक, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप एक रिएक्शन जो अभिक्रिया हमने लिखी, बर्फ़ जल में चेंज होता है, जल बर्फ़ में चेंज होता है, फिर जल में चेंज होता है, उसको याद कर लीजिए। धन्यवाद। आप अपनी बुक के साथ बुक का धन करें।